प्रतिनिधित्व करू इच्छिता पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याच्या गोष्टींमध्ये खाली बाबी आहे. आपण या मुद्द्यांशी सहमत आहात का? पुणे आणि परिसरातील टेकड्या नद्या इत्यादी सगळे जैव वैविध्यता यांची जपणूक म्हणजे प्रोटेक्शन, जतन म्हणजे कॉन्झर्वेशन, संवर्धन म्हणजे प्रमोशन अँड एनहान्समेंट करणे, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याचे वगैरे वगैरे. पुण्याचा अनाकलनीय विकास आराखडा व पुण्याच्या विकास आराखड्यातील एलिव्हेटेड मेट्रो व त्याला जोडून प्रस्तावित 4 MBPS या गोष्टी सुधारणे, जे नामची अयोग्य रीतीने केलेली अंमलबजावणी योग्य रीतीने करणे, कोर्टाचे निकाल दुर्गम बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या स्थानिक शासन संस्था यांना कायम आणणे, रस्ते पाणी वीज यांचे गैरव्यवस्थापन हे करणारे शासकीय अधिकारी संस्था यांचा बंदोबस्त करणे. या मुद्द्यांची आपण सहमत आहात की पुण्याच्या विकासासाठी याची जरूरत आहे? इन सभी चीजों पर मैंने पहले से मतलब आम आदमी पार्टी पुणे ने बहुत पहले से बहुत क्लियर स्टैंड लिया है. पीडीपी के बारे में पहले ही मैंने कहा है, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा. घनकचरा व्यवस्थापन के संदर्भ में हमारे संकल्प पत्र में ये कहा है कि डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया के फील्ड में काफ़ी संशोधन हुआ है और पूना का कचरा डिसेंट्रलाइज तरीके से पूना में ही एक उचित तरीके से कंपोस्ट करके उसे फर्टिलाइजर बनाने की प्रक्रिया लोगों की सहभागिता से आगे जा सकती है. कुछ कर्मचारियों की मदद भी उसकी जरूरी है, उनकी सवाल सुलझाकर. महिला पानी के बारे में मैंने कहा है कि ये भी छोटे छोटे प्रकल्पों के आधार पर एक बूंद भी महिला पानी बिना प्रक्रिया किए नदी में नहीं छोड़ना चाहिए. उसके लिए जो कानून बने हैं उस कानून की बिल्कुल अनदेखी नहीं होनी चाहिए. वाहतूक के बारे में कई बार हम लोग ये कह चुके हैं कि PMKR की व्यवस्था सुधारी जा सकती है. उसमें कई सारे सुझाव भी हमने दिए हैं. उसमें पूरा समय एक प्रशासक की जरूरी है, 3000 बसेज की जरूरी है, वो मिल सकती है केंद्र सरकार से अगर हम अपना दबाव डालें तो. और रूट रेस्टोरेशन हो सकता है, स्पेयर पार्ट्स के न चलते कई बसेस डिपो में पड़ी रहती है वो ना हो जाए तो पहले PMKR की व्यवस्था एक सार्वजनिक बस वाहतूक व्यवस्था के तहत सक्षम करने की जरूरत है. उसके बाद एक व्यावहारिक मेट्रो लोगों की सहभागिता से लानी चाहिए जिसमें 4 FSI की जो प्रोविजन है उसको हम पूरा विरोध करते हैं. 4 FSI के चलते नागरिक सुविधाओं पर बहुत बड़ा तनाव आएगा जिसके झेलने की क्षमता इस शहर में अभी नहीं है. उसके लिए बजट की कई अन्य मार्गों से व्यवस्था होनी चाहिए. विकास आराखड़ा के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी ऐसी जिसने एक पब्लिक मीटिंग करवाई थी जिसमें अनिता जी को भी हमने बुलाया था और लोगों की सहभागिता से बिना मतलब जिस तरीके के एक मैदान है, स्कूल है, ये रिजर्वेशन बिना कैंसिल करके एक सही विकास आराखड़ा बनना चाहिए. इस पर बहुत पहले से हम लोगों ने स्टैंड लिया है. एक बात सिर्फ मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि थोड़ा पुणे वासियों को और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा. जो राय यहाँ पर मैंने रखी है लगभग सहमत आप भी होंगे उसके लिए, लेकिन गांव गांव के लोग, आदिवासी लोग जो हमारे ऊपर एक आक्षेप होते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा. मतलब पुणे जहाँ हम बसे हैं अभी पुणे में वहां भी कभी ना कभी जंगल था तो वो जंगल तो काट के हमने हमारी सुविधा के अनुसार एक शहर बनवाया और उस शहर में हम अपनी तरीके से लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे हैं. हो सकता है कि इस सभागृह में हम सब लोग जो है वो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करने वाले लाइफ स्टाइल के साथ जीते होंगे, लेकिन फिर भी अन्य पुणेवासी लोग जो है जो जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है उनकी बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग लाइफ स्टाइल है, उससे हमारी थोड़ी कम होगी. लेकिन फिर भी गाँव के जो लोग है, ट्राइबल लोग जो है, उनसे हम निश्चित रूप से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली लाइफ स्टाइल पर जीते हैं. तो अगर हम यहाँ बैठ के मतलब यहाँ का जंगल काट कर अपनी सुविधा के अनुसार पुनः शहर बनाकर यहाँ बैठकर आप अगर हम जंगल बचने चाहिए और पर्यावरण का रक्षण भी होना चाहिए ऐसा कहेंगे तो उन लोगों को भी हमारे बारे में कुछ कहने का आधार है. तो जैसे भारत इंटरनेशनल लेवल पे कितना कार्बन उत्सर्जन अमेरिका के लाइफस्टाइल से हो रहा है ये बात करके अगर कुछ उनके लिए आक्षेप दे रहा है तो उसी तरीके का एक आक्षेप गांव के लोग हमारे बारे में भी ले सकते हैं. तो उसके पर्यावरण के रक्षण की बात बिल्कुल मैं हिमायत हूँ, उसका समर्थन भी हूँ, लेकिन फिर अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि गांव समाज को अगर पर्यावरण के लिए जंगल की रक्षा करने की बात हम कहेंगे तो वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसे बदले तो उसके लिए हमें भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा बैलेंस व्यू इसमें लेना पड़ेगा ऐसा मैं मानता हूँ.